गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर मैथ्स आपके जो है हम लोग मैथमेटिक्स में कर रहे हैं पेपर टू जो कि उसमें जो है यूनिट थ्री जो कि है सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है कल जो हमने एग्जाम्पल किया था जिसमें जो है सततता तक तो हमने उसको सिद्ध कर दिया था क्योंकि हमें एग्जाम्पल्स में पूछा था कि दिया हुआ फलन जो है वह सतत है यानी सभी सर्वत्र सब जगह सतत है, वो हमने सिद्ध कर लिया था। फिर जो है इसमें हम लोग कोशी रिमान समीकरण जो है मूल बिंदु पर संतुष्ट होती है इसको हमें सिद्ध करना है और फिर उसके बाद जो है हमें ये बताना है कि इसका f'0 का जो है अस्तित्व यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने fz जो है वो इस तरह से बना लिया था कि fz इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ठीक है, आयोटा वी एक्स वाई इज इक्वल टू जो मेरा क्वेश्चन दिया था उससे मैंने अपना fz बना लिया था इस तरह से कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो u और v की वैल्यू भी जो है पता थी, u की वैल्यू जो है ये हो जाएगी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वी एक्स वाई जो है वो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x2 + y2। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, मूल बिंदु पर कोशी रिमान समीकरण संतुष्ट होती है कि नहीं वह देखेंगे और बहुत ही आसान है। देखिए मूल बिंदु पर, अब कल तक तो है ये सारा कर लिया था, अब आज से जो है यहाँ पे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होगा कि मूल बिंदु पर कोशी रिमान समीकरण, मूल बिंदु पर कोशी रिमान समीकरण। सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स यानी कि एक्स के सापेक्ष जो है यू का आंशिक अवकलज। ठीक है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू जीरो यू एक्स जीरो और यू जीरो जीरो अपॉन एक्स। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि आपका जो है यू एक्स वाई क्या है, उसमें क्या करना है कि x तो रहने देना है और y की जगह पे जीरो रखना है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पे x इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा x। ठीक है, इस यू एक्स वाई में जो है जब यू एक्स जीरो रखोगे आप, ठीक है, तो सबसे पहले जो है क्या किया कि y की जगह पे जीरो रख दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो, तो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा यहाँ पे x। और जब दोनों ही जीरो रखेंगे तो वैसे भी जीरो आना है, ये आ जाएगा x और ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा वन। ठीक है, अब जो है हम लोग डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा यू जीरो वाई माइनस यू जीरो जीरो अपॉन वाई। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या करना है एक्स की जगह पे जीरो रखना है और वाई को रहने देना है, तो ये जीरो माइनस वाई क्यूब अपॉन जीरो प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस y, तो ये आ जाएगा कि लिमिट y टेंस टू जीरो माइनस y और ये तो जीरो आना ही है अपॉन y और क्लियर है लिमिट, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगी माइनस वन, ये आ जाएगी माइनस वन। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो है करते हैं डेल v अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो v x 0 माइनस v 0 0 अपॉन x। ठीक है, अपॉन x, तो चलिए v x y आपके पास क्या दिया हुआ है, ये है, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे 0 रखना है। ठीक है, x को ऐसे ही रहना है, तो x क्यूब प्लस 0 अपॉन x स्क्वायर प्लस 0, तो ये आ जाएगा x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये आ जाएगा x, और जब दोनों ही जीरो रखेंगे तो जीरो ही आना है और यहाँ पे जो है ये देखेंगे कि ये हो जाएगा अपॉन एक्स, वैसे दोनों जीरो नहीं क्योंकि एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि एफ
जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो एफ जीरो प्लस जीरो प्लस आयोटा वी जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो। देखो ये इसको इस तरह से बताते हैं, ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्योंकि जबकि हमको एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी दे रखा है, तो एफ एस एफ जेड की जो है हम लोग जो मैंने यू और वी में लिखा था उसको इस तरह से जीरो जीरो में लिखेंगे, ठीक है। जब जेड इज इक्वल टू जीरो है तो जेड इज इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो प्लस आयोटा जीरो, ठीक है, जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो क्या हो जाएगा, यू भी यहाँ पे यू जीरो जीरो भी जीरो हो जाएगा और वी जीरो जीरो भी जीरो हो जाएगा। ये परफेक्टली जो है थ्योरेटिकली जो है हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, परफेक्टली थ्योरेटिकली ये हम लोग लिख रहे हैं इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमको ऑलरेडी दे रखा है, इस वजह से हम सीधा यहाँ पे जीरो ले रहे हैं। और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, यहाँ पे वन, क्या आ गई यहाँ पे वन। अब क्या ज्ञात करना है हमको, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो चलिए डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं। तो ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो, और ये हो जाएगा कि वी जीरो वाई माइनस वी जीरो जीरो अपॉन वाई, ठीक है, अपॉन वाई यानी कि अपॉन वाई माइनस जीरो लिखते हैं, ठीक है, वाई माइनस जीरो लिखते हैं, इस वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे वाई लिख रही हूँ, ठीक है, सिर्फ वाई लिख रही हूँ। तो जीरो वाई देखेंगे तो ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सिंपली वाई। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट y टेंस टू जीरो y माइनस जीरो अपॉन y, तो लिमिट आ जाएगी वन, क्या आ जाएगी, लिमिट इसकी वन, ठीक है। तो यहां पे जो है देखेंगे कि डेल u हमने जो है ये सारे आंशिक अवकलज याद कर लिए, अब जो है क्या देखेंगे कि डेल u अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई है, तो है, ये भी वन आ रहा है, ये भी वन आ रहा है, ठीक है, कोशी रिमान समीकरण में। फिर जो है डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है और ये सिर्फ वन आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, देयरफोर इस तरह से लिखेंगे कि देयरफोर डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, हाँ ठीक है, दोनों सेम आ रहे हैं। और फिर जो है नेक्स्ट इक्वेशन है कि डेल यू अपॉन डेल वाई, जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस वन आ रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे जो है माइनस साइन इस तरफ ले लूँ और ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और जबकि डेल वी अपॉन डेल एक्स के मान कितना है आपका वन, तो कोशी रिमान समीकरण जो है यहाँ पर संतुष्ट हो रही है, ठीक है, कोशी रिमान समीकरण जो है संतुष्ट हो रही है। तो अब जो है चलिए हो गया, सतत हो गया, कोशी रिमान समीकरण हो गया, अब जो है हमें क्या करना है, इसकी अवकलनीयता की जांच करनी है, और कहां पर, मूल बिंदु पर ये अवकलनीय है कि नहीं उसकी जांच करनी है। तो उसके लिए जो है दो पाथ लेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिख दूं, और दो पाथ ले रहे हैं, देखिए हाँ यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं परिभाषा लिख देती हूँ, फिर जो है हम लोग पाथ ले लेते हैं। अब लिखेंगे कि मूल बिंदु पर अवकलज यानी कि f डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। तो चलिए सबसे पहले जो है जो डेफिनेशन थी एफ जेड की वो हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कि लिमिट जेड टेंस टू जीरो, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आयोटा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस जीरो, और ये आ जाएगा वन अपॉन जेड, ठीक है, वन अपॉन जेड यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक पाथ चुन लेती हूँ,
ठीक है, पाथ चुन लेती हूँ, मैं लेती हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स के लिए, और आप यहाँ पे दो पाथ भी कोई भी जो है चुन के आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये दोनों लिमिट बराबर आती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू एम एक्स लेते हैं तो देखो एक चीज जो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, तो हमें दूसरा पाथ शायद लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए y इज इक्वल टू एम एक्स हम लोग लिखते हैं, कि बोलते हैं कि माना माना z y इज इक्वल टू एम एक्स रेखा के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो ये शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि जहां पे भी y होगा वहां पे क्या पुट करना है आपको, mx, और लिमिट जो है कौन सी हो जाएगी, x टेंड्स टू जीरो। तो चलिए लिमिट चेंज कर लेते हैं, f डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ठीक है, और ब्रैकेट में यहां पे जीरो तो अब चला जाएगा, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां पे हो जाएगा ये x क्यूब माइनस यहां पे हो जाएगा m क्यूब x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे आयोटा एक्स क्यूब एम क्यूब एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वन अपॉन यहाँ पे एक्स प्लस आयोटा एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा एक्स हो जाएगा, आयोटा एम एक्स हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे कि ऊपर वाली ब्रैकेट में जो है हमारे एक्स क्यूब जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, तो एक्स क्यूब को हम लोग बाहर ले रहे हैं और यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमारे एक्स स्क्वायर जो है वो बाहर आ रहा है, तो मैं लिख लेती हूँ वन माइनस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर प्लस आयोटा वन प्लस एम क्यूब। ठीक है, वन प्लस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और वन अपॉन यहाँ पे एक्स कॉमन तो वन प्लस आयोटा एम। ठीक है, तो एक्स क्यूब जो है वो यहाँ पे निकल जाएगा पूरा और एक्स का जब पद ही नहीं है तो लिमिट आ जाएगी वन माइनस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस आयोटा ब्रैकेट जो है प्लस आयोटा वन प्लस एम क्यूब अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और ये हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस आयोटा एम। तो देखेंगे यहाँ पे जब हमने एक हमारा पथ जो है हमने चुन लिया, ठीक है, हमारा जो एक पथ जो है हमने एक अपना पाथ जो है हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो उस जो है जेड जो है वो जेड जो है टेंड्स टू ओरिजिन अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स लाइन। ठीक है, z इज टेंड्स टू जीरो अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स से जो है हम शून्य की तरफ पहुंचे। ठीक है, यहाँ पे जो है ओरिजिन तक पहुंचे, तो लिमिट जो है वो कौन सी आ रही है, ये आ रही है जो कोई फिक्स नहीं है। जैसे अगर मैं m का मान चेंज करती हूँ, जैसे ही मैंने रेखा बदली मैंने लाइन चेंज की, ये लिमिट चेंज हो जाएगी। y इज इक्वल टू एक्स लूंगी तो अलग आएगी, y इज इक्वल टू टू एक्स लूंगी तो ये लिमिट अलग आएगी। यानी ये जो लिमिट है किस पर निर्भर करती है, m पर निर्भर करती है। ठीक है, ये लिमिट किस पे निर्भर करती है, m पर। देखिए हमको दो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही हमने y इज इक्वल टू एम एक्स लिया तो हमारे जो है निर्धारण हो गया कि ये क्या है। तो यहाँ पे जो है एफ डैश जीरो का मान जो है जब हमने लिमिट ली, यहाँ पे x के पद तो सारे कैंसिल हो गए, ये एक्स स्क्वायर है ये x है और ऊपर क्या है एक्स क्यूब है, तो चला गया। ठीक है, x पूरा ही निकल गया, बाकी रिमेनिंग जो है टर्म्स किसके बचे, सिर्फ m के बचे। लिखेंगे कि जो m पर निर्भर है, यानी विच डिपेंड्स अपॉन m, ठीक है, देयरफोर f डैश जीरो अद्वितीय नहीं है, यानी कि यूनिक जो है वो नहीं है, एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक, देयरफोर
z इज इक्वल टू जीरो पर, z इज इक्वल टू जीरो पर फलन विश्लेषिक नहीं है, या कह सकते हैं कि f डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि हमें यही पूछा है, और विश्लेषिक भी लिख सकते हैं। अतः f डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, therefore f डैश जीरो does not exist, ठीक है, यानी कि f डैश जीरो का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है कोशी रीमान समीकरण तो संतुष्ट होती है, लेकिन मूल बिंदु ऐसा बिंदु है कि जहां पे हमें f का अवकलन ही प्राप्त नहीं होता है, तो हमारा मूल बिंदु क्या है, इस फलन के लिए एक सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि विचित्र बिंदु है, यानी कि ओरिजिन जो है, यानी शून्य जो है, इसकी क्या है, विचित्रता, यानी कि सिंगुलरिटी है, ठीक है, सिंगुलरिटी है, इस वजह से जो है यहाँ पे हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं अब जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जो थोड़ा सा अलग, जिसमें कोशी रीमान समीकरण जो है संतुष्ट नहीं करनी है। चलिए करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन आपके लिख लेती हूँ 2011, ठीक है। क्वेश्चन जो है बोलते हैं कि यदि यदि एफ जेड एक्स क्यूब वाई और वाई माइनस आयोटा एक्स और अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जहां पे ये तो दे रखा ही है कि z जो है नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये तो दे रखा ही है, और साथ में ये भी दे रखा है कि इसकी फलन की जो है मूल बिंदु पर मान क्या है, मूल बिंदु पर मान भी क्या है यहाँ पे जीरो। तो बोलते हैं तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि देखिए एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड इज टेंस टू जीरो, टेंस टू जीरो, जबकि जबकि जेड किसी किसी भी ध्रुवांतर रेखा, किसी भी ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश शून्य की ओर, के अनुदिश अनुदिश शून्य की ओर, शून्य की ओर अग्रसर हो, के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो। परंतु देखिए अब क्या कहते हैं, दूसरी एक वाक्य आ गया, परंतु जब z किसी भी प्रकार से, देखिए किसी प्रकार यानी ध्रुवांतर रेखा से नहीं, किसी अन्य पाथ, ठीक है, जब z किसी भी प्रकार से शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर या शून्य की ओर जाता हो, हो तो ऐसा नहीं होता, तो ऐसा यानी कि वो जीरो की तरफ नहीं जाता, ठीक है। जब ध्रुवांतर रेखा से जो हम लोग अगर मूल बिंदु तक जाते हैं तो ये लिमिट जो है जीरो की तरफ जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर कोई पाथ चुन लेते हैं तो वो शून्य की तरफ ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं, हम लोग सिद्ध करते हैं कि सबसे पहले जो है हम लोग हमारा एब्जेक्ट जो है उसको हम लोग बना लेते हैं अच्छी तरह से, और U और V जो है हाँ FZ इसमें जो है कोशी रीमान समीकरण हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो कोशी रीमान समीकरण के U और V की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग सीधा जो लिमिट ले लेते हैं और पाथ चुन लेते हैं। सबसे पहला कौन सा चुनेंगे यहाँ पे, Y इज इक्वल टू MX के लिए, ठीक है। तो माना माना कि Z ध्रुवांतर रेखा, माना कि Z ध्रुवांतर रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि रेडियस वेक्टर y इज इक्वल टू एम एक्स के अनुदिश, के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर
क्योंकि ये हमें पूछा है ना, सिद्ध करने के लिए पूछा है शून्य की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि अगर हम लोग z लेते तो z x प्लस आयोटा वाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा m x हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे z इज इक्वल टू वन प्लस आयोटा m और ये x। तो हम लोग लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट ही बतानी है, इसके आगे ये नहीं बताना है कि z f डैश जीरो क्या है। तो एफ जेड माइनस एफ जीरो जो हमको लिमिट पूछी है ना, वही मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, अपॉन z इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू जीरो। अब जो है फंक्शन लिख लेती हूँ, कौन सा ये वाला, और एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो ऑलरेडी मुझे गिवन है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ और फिर जो है हम लोग क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो पुट कर लेते हैं। तो एक्स क्यूब वाई वाई माइनस आयोटा एक्स और अपॉन आ जाएगा एक्स सिक्स प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एफ सेट, ये है माइनस जीरो और वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, मैं जेड को भी जो है एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिख देती हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से लिख देती हूँ, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस जीरो वन अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो अब क्या करना है, y इज इक्वल टू जो है हम लोग एम एक्स जो है पुट कर लेते हैं। तो चलिए इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू, चलिए y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि अब आ जाएगी x इज टेंस टू जीरो, ये तो जीरो चला गया, x क्यूब ये एम एक्स, ठीक है, और एम एक्स माइनस आयोटा x अपॉन x की पावर सिक्स और ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स और वन प्लस आयोटा एम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिख दिया है तो यहाँ पे वन प्लस आयोटा एम। तो अब जो है एक्स को बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि लिमिट किस तरह से आती है यहाँ पर। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, चलिए जीरो तो हाँ वो पहले ऑलरेडी, तो एक्स क्यूब एक्स और यहाँ पे एक्स, तो कितना आ जाएगी एक्स की पावर फाइव, तो ये आ जाएगी एक्स की पावर फाइव और ये हो जाएगा एम और ये हो जाएगा एम माइनस आयोटा। ठीक है, एम माइनस आयोटा अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस एम स्क्वायर और साथ में वन अपॉन यहाँ पे एक्स तो है ही। ठीक है, एक एक्स तो है ही, तो चलिए हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर भी गया एक्स भी गया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एम एम माइनस आयोटा अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स की पावर फोर एम स्क्वायर और वन प्लस आयोटा एम, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, ये इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे जैसे जो है हम लोग वाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स पाथ से जो है पथ से शून्य की तरफ अग्रसर होते हैं तो लिमिट जीरो, क्योंकि इसमें एक्स आ रहा है, इसमें एक्स आ रहा है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो जैसे ही पुट किया। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू जीरो जैसे ही पुट किया तो इज इक्वल टू लिमिट जीरो आ गई, ये तो हो रहा है। अब जो है दूसरा कोई पथ जो है हम लोग चुन लेते हैं। ठीक है, दूसरा कोई पथ चुन लेते हैं, तो अब जो है आगे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं इस बारे में, लिखेंगे कि जो m पर निर्भर नहीं करती, जो m पर निर्भर नहीं करती है, यानी m से ये बिल्कुल फ्री है, अतः अतः z किसी भी ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश, किसी भी ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो एफ जेड माइनस
f0 अपॉन z टेंस टू 0, ठीक है, जो कि हमें पूछा था, ठीक है, ये हमें पूछा था, हमने बता दिया। अब जो है दूसरा कोई पाथ चुन लेते हैं, m पर निर्भर नहीं है, यानी y इज इक्वल टू mx, आप कोई भी जो ध्रुवांतर क्यों नहीं रेखा ले लो, ठीक है, कोई भी रेखा क्यों नहीं ले लो, लेकिन ये लिमिट जो है कहाँ, लिमिट जो है क्या होगी, जीरो होगी। अब जो है नेक्स्ट जो है दूसरा पाथ हम लोग चुन लेते हैं, माना माना z y इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, x क्यूब ले लेते हैं, माना z y इज इक्वल टू x क्यूब के अनुदिश, x क्यूब के अनुदिश शून्य की ओर, अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, शून्य की ओर अग्रसर हो, तो ये हो जाएगा कि लिमिट z टेंस टू जीरो, ठीक है, fz जो है हमारा दिया हुआ है, तो मैं पहले fz लिख लेती हूँ, उसमें हम लोग मान रख देते हैं, तो x क्यूब y माइनस आयोटा x अपॉन यहाँ पे जो है x की पावर क्या थी, x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, माइनस एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। अब लिखूंगी लिमिट z टेंस टू जीरो एक्स क्यूब y माइनस आयोटा x, ठीक है, अपॉन x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर, ठीक है, प्लस y स्क्वायर माइनस जीरो और 1 अपॉन x प्लस आयोटा y। चलिए अब लिमिट लगाते हैं, y इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, x क्यूब, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू जीरो और x क्यूब, ये हो जाएगा यहाँ पे x क्यूब और ये हो जाएगा यहाँ पर x क्यूब माइनस आयोटा x, ठीक है, और अपॉन यहाँ पे x की पावर 6 और y स्क्वायर, y इज इक्वल टू x क्यूब है, तो ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे x क्यूब और ये हो जाएगा 1 अपॉन x और आयोटा यहाँ पे x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है x को कॉमन ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि लिमिट क्या आती है, तो चलिए लिमिट दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो, चलिए यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा x की पावर 6 और यहाँ से आ जाएगा x, तो ये आ जाएगा x की पावर 7 और ये हो जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा, ठीक है, और अपॉन में जो है 2x की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो 2x की पावर 6 और एक और x जो है यहाँ से आ जाएगा, तो ये 7, ये आ जाएगा 7, तो ये होगा 1 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया और जो है x की जगह पे जो है वैल्यू पुट कर देंगे 0, क्योंकि लिमिट फाइंड करनी है ना, तो ये हो जाएगा कि 0 माइनस आयोटा अपॉन 2 तो है 1 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है, तो लिमिट कौन सी आएगी, माइनस आयोटा अपॉन टू, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर ध्रुवांतर रेखा से अलग कोई जब पाथ लिया तो ये लिमिट जो है क्या होगी, ये लिमिट जो है 0 की तरफ नहीं जाएगी, ये कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, आयोटा अपॉन टू जो है वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे कि जब z किसी वक्र पथ के अनुदिश शून्य की ओर अग्रसर हो, तो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड शून्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक नहीं है, शून्य की ओर अग्रसर हो होना आवश्यक नहीं है, शून्य की ओर अग्रसर होना आवश्यक
नहीं है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि आपके ये कुछ अलग तरह का ही क्वेश्चन था जहाँ पे क्वेश्चन रिमार्क नहीं थी, लेकिन हमारा वैसे एफ डैश जीरो ही है, ठीक है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में, कि अगर वाई इज इक्वल टू एम एक्स रेखा के जाते हैं, उस रेखा की तरफ से जाते हैं शून्य की ओर, तो ठीक है। लेकिन अगर और कोई वक्र पथ चुन लेते हैं ना, तो वो लिमिट जो है जीरो की तरफ नहीं जा रही है, वो किसी और नंबर की तरफ जा रही है, ठीक है।